अगर आप भी अपने चैनल पर इन पांच नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको भी मतलब ज्वाइन बटन का जो ऑप्शन रहता है नहीं मिलेगा। तो हे गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सब मस्त होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर यूट्यूब पे जो ज्वाइन बटन रहता है, मतलब कितना सब्सक्राइबर हो जाता है तब यूट्यूब हमें मतलब ज्वाइन का ऑप्शन देता है, एंड इसके लिए मतलब क्या एलिजिबिलिटी है जिसे मतलब पूरा करके मतलब ज्वाइन बटन को आप ले सकते हैं। तो ज्वाइन बटन को इनेबल करने के लिए YouTube मतलब पांच पॉलिसी रखा है। अगर आप इसे पालन करते हैं तो आपके चैनल पर ज्वाइन बटन का ऑप्शन दे दिया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि ऐसे वह कौन से पांच चीज है जिसे आप फॉलो करके अपने चैनल पर ज्वाइन बटन को इनेबल कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों यही सब बात करने वाले हैं। सो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपके चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है तो यूट्यूब आपको ज्वाइन बटन का ऑप्शन जो रहता है वो इनेबल करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। एंड यहाँ पर जो सेकंड रूल है, आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए तो ही जाकर आपको मतलब ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जो तीसरा रूल है कि आपका जो एज होना चाहिए लगभग 18 का प्लस होना चाहिए, और यह ज्वाइन बटन का फ्यूचर आपके कंट्री में होना चाहिए। जैसे मेरा कंट्री यहाँ पर इंडिया है तो इंडिया में तो ये फिलहाल मतलब इनेबल है ही। तो यहाँ पर जो चौथा रूल है कि आपके चैनल पर कम्युनिटी टैब का ऑप्शन इनेबल होना चाहिए, और आपके कोई भी वीडियो पर मतलब मेड फॉर किड नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी वीडियो पर मतलब मेड फॉर किड सेट करके रखे हैं तो आपको मतलब ज्वाइन बटन का ऑप्शन इनेबल करने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो पांचवा रूल है कि आपके चैनल पर अगर ज्यादातर आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम होगा तो आपको यहाँ पर ज्वाइन बटन का ऑप्शन इनेबल करने को नहीं मिलेगा। सो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। बस यही छोटा सा जानकारी था जो मैं आपको बता दिया हूँ। तो एक वीडियो को लाइक या जरूर कर दीजिएगा, एंड अगर चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर जरूर जाएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर टेक्नोलॉजी से वीडियो देखने को मिलता है एंड मिलता रहेगा। सो वीडियो को यार एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।